फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज हम लेके आए हैं आपके पास क्रिसमस और वेडिंग केक कैसे बनता है, क्योंकि क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, क्रिश्चियन वेडिंग का सीज़न, बाकी नॉर्मल वेडिंग का सीज़न भी चल रहा है। तो हमने कहा कि आपको दिखाएंगे कैसे बनता है ये केक। ये बेकरी में हम आए थे रिकॉर्ड करने के लिए कि कैसे क्रिसमस केक और वेडिंग केक के लिए प्रिपरेशन की जाती है। देखिए, मैंने बकायदा घी चीनी डाल दिया है, इसकी मिक्सिंग यहाँ पे शुरू कर दी है। और एक तरफ पे क्रिसमस केक की मिक्सिंग चल रही है और ये वेडिंग केक की मिक्सिंग हो रही है। और हमारी ये कोशिश है कि आपको दिखाने की कि किस तरीके से इंडिया में केक, शादी के केक को लोग कि अभी सभी प्रेफर करते हैं इस तरीके का केक, तो वो किस तरीके से बनता है। ये देखिए, लाइन से मेकिंग हो रही है। आगे जो वाइट वाले दिख रहे हैं आपको, क्रीम कलर के सारे क्रिसमस केक हैं। और जो ये फर्स्ट में बन रहा है, ये वेडिंग केक है। और ये करीबन 8 किलो का केक है, करीबन 250 अंडे इसमें डलने हैं। तो स्टार्टिंग डालडा यानी घी और तेल के साथ होती है। उसके बाद ये देखिए, अंडे फोड़ करके डाले जाने हैं इसमें। और अंडे फोड़ने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, बाकी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालने शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज केक में फ्लेवर और टेस्ट नहीं आएगा। करीबन 8 ट्रे अंडे इसमें डले हैं। देखिए, लगातार इसको डालते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं, रेगुलरली, रुकते नहीं हैं, नहीं तो केक प्रॉपरली बन नहीं पाएगा, बेक नहीं हो पाएगा और टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। ये इन्होंने डाला इसमें केक का मसाला, मसाला डाल के भी इसको प्रॉपरली कायदे से मिलाते हैं ताकि हर तरफ पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, कहीं पे कोई गांठ इस तरीके से ना बनी रहे केक के अंदर या किसी के मुंह में उस तरीके से ना जाए। और ये प्रॉपर मिक्स करने के बाद अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने का टाइम आ रहा है। ये देखिए, इन्होंने एसेंस डाल दिया है, करीबन 8 ढक्कन एसेंस, 1 kg में 1 ढक्कन एसेंस डालते हैं। और ये करीबन 8 ढक्कन एसेंस डालने के बाद बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। और ये अब चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं, इसको भी प्रॉपरली मिक्स करते जा रहे हैं। इसके बाद आपको ये 2 डब्बे दिख रहे हैं, ये कैरेमल और कलर के हैं, इसको भी प्रॉपरली डाल करके, क्योंकि इसका शादी वेडिंग केक जो होता है वो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन में। देखिए प्रॉपर मिक्सिंग, अब ये मैदा इसके ऊपर से डाला गया है और इसको भी ये प्रॉपर मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गांठ या नॉट उस तरीके से ना बने केक में। और ये पील्स और चेरी डालनी इन्होंने शुरू की है, ये किशमिश, बड़े साइज की जो किशमिश होती है उसको डालते हैं, उसको भी लगातार मिक्स करते जाते हैं। और ये काफी मेहनत वाला काम है, करीबन 1 से 1.5 घंटे इसकी पिटाई होती है प्रॉपरली। ये अखरोट उन्होंने डाल दिए हैं, मिक्सिंग में काफी टाइम लगता है, मशीन से भी मिक्सिंग होती है। ये है ग्रीन चेरी, ये काजू, काफी हिसाब से मिक्सिंग इसकी करनी पड़ती है और मेहनत का काम है। ये रेड आपको दिख रहा है, पूरी चेरी डाल करके ये मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि शादी के केक में सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी क्वांटिटी में डाले जाते हैं। और इधर ऑलमोस्ट इसकी मिक्सिंग कंप्लीट हो गई है। ये 2 तरीके का आपको कलर दिख रहा होगा, एक डार्क ब्राउन और एक ब्राउन। और इस सैंपल के लिए इन्होंने निकाल दिया है पहले उसको चेक करने के लिए। और
उसके साथ साथ राइट साइड पे ये क्रिसमस केक भी साथ साथ में हो रहा है। सैंपल निकाल रहे हैं एक बार चेक करने के लिए। और ये क्रिसमस की गिफ्ट में देखिए आपको कोई कलर नहीं मिलेगा। कुछ लोग कलर डलवाते हैं, कुछ लोग नहीं डलवाते हैं, बट मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं बिना कलर का क्रिसमस गिफ्ट, जो कि पकने के बाद ऑलरेडी ब्राउन हो जाता है। और बीच में मुझे फोन दिया गया कि लिंक देने के लिए मेरे YouTube चैनल का, वो भी साथ साथ में आ गया। और अब इसके बाद बारी आती है केक को भट्टी में डालने की। और ये ओवन नहीं है, नॉर्मल भट्टी है जो बकायदा लकड़ी जला करके जहाँ पे केक की बेकिंग होती है। और ये देसी तरीका है जिससे केक में एक सोंधापन जो होता है वो रहे। बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान नहीं रख सकते हैं क्योंकि देसी तरीका होता है। घर के अंदर ये बड़ी सी बेकरी है जहाँ पे ये केक बढ़ रहा है। और ये उसी साथ साथ में केक को डालते भी जा रहे हैं, निकाल के चेक भी करते जा रहे हैं, क्योंकि निकाल के चेक कर रहे हैं कि हुआ है कि नहीं। जिस तरफ आग ज़्यादा है क्योंकि अंदर आग जल रही है, देखिए दबा के चेक कर रहे हैं कि रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं कच्चा तो नहीं है। तो सिर्फ एक्सपीरियंस का खेल है ये, काफी हिसाब से ही चेक करते हैं, कंप्लीट करते हैं केक को, फिर बाहर निकाल के उसको देखते हैं, फिर वापस अगर नहीं हुआ है तो उसको कंप्लीट करके डालते हैं। और जो केक कंप्लीट होता जाता है वो उस तरीके से निकाल के इन्होंने राइट साइड पर रख दिया है। ये देखिए हमारा केक रेडी हो गया है। और ये फूल करके जब केक फट जाता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, प्रॉपरली कुक्ड माना जाता है। और करीबन आधा से एक घंटा इसको रखना पड़ता है क्योंकि पूरा गर्म होता है अंदर से, और गर्म में पैक नहीं कर सकते अदरवाइज केक टूट जाएगा। तो ये केक हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी कोशिश थी क्रिसमस के टाइम पे आपको क्रिसमस के केक और वेडिंग केक कैसे बनता है वो आपको दिखाने की। उम्मीद है आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड में नई अपडेट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।